भारत ही नहीं विश्व की संत परंपरा में कबीर एक महत्तम नाम है। जैसे कबीर का अर्थ बड़ा और महान होता है, वैसे कबीर साहब का व्यक्तित्व और कर्तित्व महान रहा है। वे विलक्षण प्रतिभा वाले पुरुष रहे हैं। उनकी मर्मभेदी एवं पारदर्शी दृष्टि क्षण भर में भाप लेती थी कि कहाँ क्या और कैसी त्रुटि है। वे अत्यंत मुखर एवं निडर होकर उसे सबके सामने प्रकट कर देते थे। सच तो सच, झूठ को झूठ कहने में वे न तो कभी डरे और न कभी किसी का मुलाहिजा किए। धर्म के क्षेत्र में सद्गुरु कबीर सब जगह तर्कपूर्ण, प्रकृति के कारण कार्य की व्यवस्था, वैज्ञानिक दृष्टि वाले संत हुए हैं। उनकी वाणियों में अंधविश्वास, चमत्कार, पाखंड, मिथ्या महिमा की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए जितने दिन बीतते जा रहे हैं, कबीर सबके आकर्षण का केंद्र बनते जा रहे हैं। दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनकी महानता में कोई भी संदेह नहीं है, और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि उन महापुरुषों ने मानव समाज के बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित किया था और सही जीवन जीने की दिशा प्रदान किया था। उन महापुरुषों के विचारों से समाज में एक आंदोलन खड़ा हो गया था और दबे, कुचले, शोषित लोगों में एक नई चेतना जागृति आ गई थी। दुनिया के सभी क्षेत्रों में समय समय पर महापुरुषों का प्रादुर्भाव होता रहा है। कोई देश, मत, पंथ, संप्रदाय इससे अछूता नहीं है। फिर धर्म प्रधान भारत भूमि का तो कहना क्या है। यह देश तो सदैव से ऋषि मुनियों, संत महात्माओं, तत्व चिंतकों, दार्शनिकों की जन्म एवं कर्मस्थली रहा है। इसमें कपिल, कणाद, महावीर, बुद्ध और कबीर जैसे ऐसे नाम हैं जिन्होंने निर्भीक होकर स्वतंत्र चिंतन पर जोर दिया। इन महापुरुषों ने शास्त्र प्रमाण से हटकर विवेक पर तो बल दिया ही, कर्मकांड, पूजा पाठ की अपेक्षा कर्म सुधार, चरित्र निर्माण की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है और कहा कि आत्मकल्याण एवं लोक कल्याण के लिए किए जाने वाले पवित्र कर्म ही सच्ची पूजा है और व्यक्ति जन्म जाति से नहीं किंतु आचरण से छोटा या बड़ा होता है। धर्म के क्षेत्र में सद्गुरु कबीर सब जगह तर्कपूर्ण, वैज्ञानिक दृष्टि वाले संत हुए हैं। आपका जीवन, आपका व्यक्तित्व अत्यंत विलक्षण तथा आपकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी। सद्गुरु कबीर ने कहा कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति अलौकिक शक्ति संपन्न, सुप्रीम पावर एवं जगत का हर्ता करता नहीं है। जिसका जन्म हुआ है, एक दिन उसे मरना ही है। जिनका नाम जपकर, पूजा अर्चना कर लोग दुनिया से पार जाना चाहते हैं, वे भी एक दिन दुनिया से चले जाएंगे। किसी भी महापुरुष का नाम जपना या उनकी पूजा अर्चना करना उनकी भक्ति नहीं है, अपितु भक्ति के नाम पर भटक जाना है। उनकी भक्ति है उनके बताए आदर्शों पर चलना, उनके उपदेशों के अनुरूप जीवन जीना। सद्गुरु कबीर के पश्चात कबीर पंथ में अनेक त्याग वैराग्यवान, प्रतिभा संपन्न संत महात्मा हुए हैं, जिनमें श्री सुती गोपाल साहेब, श्री भगवान साहेब, श्री जगन्नाथ साहेब, श्री धनीधर्म साहेब, श्री गुलदयाल साहेब, रामरहस साहेब, पूरण साहेब, काशी साहेब, निर्मल साहेब, विशाल साहेब, राघव साहेब आदि के नाम प्रमुखता से लिए जा सकते हैं। इन महापुरुषों ने अपनी पवित्र जीवन रहनी एवं वाणियों द्वारा सद्गुरु कबीर द्वारा प्रवाहित धारा को अक्षुण्ण बनाए रखा। इन्हीं महापुरुषों के क्रम में ईसा की 20वीं सदी में एक महापुरुष आए जिन्होंने पारक सिद्धांत की धारा को बहुमुखी बना दिया। वे महापुरुष हैं सद्गुरु संत श्री अभिलाष साहेब जी। सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी का जन्म वैदिक सनातन धर्मी संस्कारों से युक्त ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उन्हीं संस्कारों के बीच पालन पोषण होने से आप अपनी किशोर अवस्था से ही नियमित रूप से गीता, रामचरितमानस पढ़ने तथा राम, कृष्ण, विष्णु, शिव की पूजा उपासना करने लग गए थे। बचपन में अपनी माता द्वारा कबीर साहब के साखी, शब्द,
भजन आदि सुनकर आप यह तो जान गए थे कि कबीर साहब एक उच्च कोटि के संत हो गए हैं, परंतु 18 वर्ष की उम्र तक आपको ना तो कबीर पंथ के बारे में कुछ पता था और ना कबीर के सिद्धांत के बारे में। 18 वर्ष की उम्र में आपको कबीर पंथ के बारे में पता चला और कबीर साहब के सिद्धांतों का ज्ञान हुआ। पहले आप चौंके, परंतु कबीर बीजक त्रिज्या टीका पढ़कर आप पूर्ण रूपेण कबीर विचारों के रंग में रंग गए और 21 वर्ष की जवानी में घर गृहस्थी त्याग कर सदगुरु श्री राम सूरत साहब की शरण में आ गए। विरक्ति मार्ग में आने के पश्चात अपने को सेवा स्वाध्याय साधना की त्रिवेणी में निमज्जन कर खूब प्रच्छलित किया और थोड़े ही दिनों में आप जीवन के परम लक्ष्य स्वरूप स्थिति में आरूढ़ हो गए थे। फिर तो आपने त्याग तप वैराग्य साधना सेवा शालीनता मधुर व्यवहार मीठी संयत वाणी मेल मिलाप स्नेहिल उदार हृदय कथनी करनी रहनी की एकता समन्वय सारग्राही दृष्टि अनुद्वेग प्रतिक्रिया विहीन जीवन साहित्य रचना आदि द्वारा आपने ऐसी मिसाल प्रस्तुत की जो बड़ी अद्भुत और अद्वितीय है। साधु मार्ग में आने के बाद कुछ ही दिनों में आपकी भक्ति ज्ञान वैराग्य संयुक्त साधु रहनी की सुगंध चारों तरफ फैलने लगी थी और बहुत ही जल्द आप साधु भक्त सज्जनों के लिए पूज्य श्रद्धेय और आदर्श पुरुष बन गए। महत्व इस बात का नहीं है कि कौन क्या मानता है और क्या नहीं मानता, किंतु महत्व इस बात का है कि कौन कैसा जीवन जीता है। सबके विचारों से सब सहमत कैसे हो सकते हैं? विचारों मान्यताओं संस्कारों स्वभाव में तो अंतर रहा है और रहेगा ही, परंतु त्याग वैराग्य मन वाणी कर्मों की निर्मलता विनम्रता आदि का प्रभाव कम वेश सब पर पड़ता ही है। परम पूज्य गुरुदेव श्री अभिलाष साहेब जी के उच्च जीवन रहनी के प्रभाव से दूर दूर तक के साधु भक्त सज्जन जिज्ञासु मुमुक्षु प्रभावित होते रहे हैं। हर जिज्ञासु और मुमुक्षु साधक भक्त सज्जन के मन में अपने गुरु पूज्य आदर्श पुरुष के जीवन की घटनाओं को जानने की स्वाभाविक जिज्ञासा भावना होती है। वे सामान्य से महान कैसे बने? मनुष्य को किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने सफलता पाने के लिए एक आदर्श की आवश्यकता होती है। वही आदर्श उसके लिए पाथेय और संबल बनता है। 30-40 वर्ष की उम्र तक पहुँचते पहुँचते गुरुदेव जी की सुकीर्ति दूर दूर तक फैल गई थी और लोग उनके बारे में जानना चाहते थे कि वे कैसा जीवन जीते हैं, कैसे रहते हैं और उन्होंने अपने जीवन को किस ढंग से सजाया और संवारा है। प्रस्तुत सदगुरु अभिलाष जीवन गाथा में इन्हीं कुछ बिंदुओं पर थोड़ी थोड़ी बातें आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। परम पूज्य गुरुदेव जी का जीवन बहुत ही महान है, फिर भी मैंने अपनी छोटी मति और बुद्धि के अनुसार थोड़ा सा प्रयास किया है। इसमें जो भी त्रुटियां या गलतियां हों वो मेरी कमी है, अतः मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तथा इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें जिससे वे भी इसका लाभ ले सकें। आने वाले सभी वीडियो को आप आसानी से प्राप्त कर सकें इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियो जल्द से जल्द आपको प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही। सादर साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।